आप सोच रहे होंगे कि आज स्पोर्ट्स गॉगल के साथ कर क्या रहे हैं। जी बिल्कुल, आज भारत और साउथ अफ्रीका का 2024 T20 वर्ल्ड कप का मैच है, और क्या लगता है आपको कि कौन सी टीम आज जीतने वाली है? और देखो, मैं तो भारतीय हूँ, मैं तो कहूंगा कि इंडिया आज जीतेगी 2007 के बाद 17 साल बाद एक बार दोबारा से कप जो है इंडिया की झोली में होगा। लेकिन आज हम कुछ यूथ से बात करते हैं, और ये सबसे चहेती जगह है यूथ की, बाहू प्लाजा। जी हाँ, बहुत प्लाजा में जब भी आता हूँ कुछ बोलता है मुझे नॉर्थ ब्लॉक या साउथ ब्लॉक, मैं फसल हो जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर चहीते लोग काफी हैं, पूछते हैं कि इनका फेवरेट खिलाड़ी कौन है और क्या लगता है इंडिया और साउथ अफ्रीका में से कौन जीतेगा। क्या नाम है आपका? कुणाल जी, क्या लगता है कि इंडिया और साउथ अफ्रीका का T20 का वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है, कौन जीतने वाला है? इंडिया जीतेगी। क्या लगता है कौन सा खिलाड़ी है आपका फेवरेट? विराट कोहली। वही मारेगा, बस खेल देगा, पार्टी कर देगा उनको। खुद आप खेलते हो क्रिकेट? खेला है। हाँ, बीच-बीच में खेला जब टाइम मिलता है। वैसे क्या करते हो? ऐसे स्टडी करते हो। तो देखो, विराट कोहली आज स्कोर मारने वाले, हम भी चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड कप में नहीं मार पाए लेकिन हम भी चाहते हैं कि आज वो स्कोर मारे। एक और ब्रदर है, स्नैपचैट में बिजी है शायद आजकल, स्नैपचैट का ट्रेंडिंग जमाना। क्या नाम है सर आपका? मैच देखते हो? कौन सा फेवरेट खिलाड़ी है? विराट कोहली। देखिए, सबका विराट कोहली फेवरेट है। आपको लगता है विराट कोहली के बल्ले से स्कोर निकले वाले हैं? निकलेंगे। तो अगर हर बार जब वर्ल्ड कप फाइनल जीतते हैं, वैसे तो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, जीतने के बाद कच्ची शोनी गांधीनगर सभी यूथ आ जाते हैं एंजॉय करने के लिए। आज इंडिया साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड कप फाइनल है, अगर आज भारत जीती तो फिर आप भी एंजॉय करेंगे, लिख लोगे बबड़ा के फाड़ेंगे? 100% बात है। तो ये खुशी बनी रहेगी इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच। आपको क्या लगता है, अभी कमेंट कीजिएगा कि आज कौन सा खिलाड़ी जो है वो टीम इंडिया को विजय दिलाएगा। और साउथ अफ्रीका के बीच में आज फाइनल मैच खेलने वाले हैं कुछ ही देर में, 8 बजे मैच शुरू होगा। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम जश डोर है। यश जी, क्या लगता है इंडिया साउथ अफ्रीका फाइनल मैच है, कौन सी टीम आई, किस पे भारी होने वाली है? सर, मैं तो पहले सबको इंडिया टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि जो हमारी इंडिया टीम फाइनल में पहुंची है, तो पहले भी बहुत बार पहुंच चुकी है, तो इस बार बहुत मजा आएगा इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच देखने के। रोहित शर्मा की फॉर्म कैसी लग रही है? और सर, रोहित शर्मा को तो छोड़ो आप, वो तो बहुत हिट हो गए हैं, आप तो उनके तो बहुत लोग फैन हो गए हैं। उन्होंने बहुत कुछ मजा दिया, जितने भी उसने मैच खेले ना, तकरीबन सबसे मजेदार वो बैट्समैन रहे। विराट कोहली का बल्ला नहीं चल रहा लगता है। विराट कोहली तो भी चलेंगे, वो तो माशाल्लाह, क्या पता, वो चलते हैं, जब चलते हैं तो फिर दूर चला देते हैं, पता। बुमराह की गेंदबाजी का जवाब नहीं है। बुमराह तो सर क्या चीज है, वो हो ना होते तो आज इंडिया वहां ना पहुंचता। बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छा कहा, बहुत बहुत फैन है उनका, मैं बहुत फैन हूँ बुमराह का। उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बहुत अच्छे, और जो हमारे बैट्समैन है रोहित शर्मा जा रहे हैं, वो आज देखेंगे हमारे लिए क्या करते हैं। लेकिन लगता है कि खुशी अब दूर नहीं है, वर्ल्ड कप इंडिया लाने वाली है। तो अब दूर ही खुशियां, हम तो बहुत खुश होंगे। पता कितने बार हमारा वर्ल्ड 3 बार पहले लग चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, अब ये चौथी बार, बहुत सब दुआ करते हैं माता रानी से। हम तो जम्मू के रहने में माता रानी को हम मानते हैं कि माता रानी रोहित शर्मा आज भी चल जाए, और हम उनके लिए दुआ बहुत मांग रहे हैं कि हमारा इंडिया आज फाइनल जीत जाए। क्या बात है, तो हम लड्डू मोती चूर के हम बांटेंगे। बिल्कुल सही कहा, देखिए ये खुशी डबल है, और इंडिया आज साउथ अफ्रीका को जब हराएगी ना, तो हर एक के चेहरे पर 17 साल के बाद, मैं बता रहा हूँ, 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता था, 17 साल के बाद T20 वर्ल्ड कप, और अगर कहें 2011 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता था तो 13 साल बाद मौका मिलेगा। तो आज रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह एक बार दोबारा से, और खासतौर पर सूर्य कुमार यादव भी आज साउथ अफ्रीका पर भारी पड़ने वाले हैं। देखिए जी, हम हिंदुस्तानी, हम तो अपने हिंदुस्तान के बारे में ही बोलेंगे, हिंदुस्तान ही जीतेगा, भारत ही जीतेगा हमारा। देखिए, हमारे सारे प्लेयर अच्छे हैं, सारे बैट्समैन भी हैं और बॉलर भी अच्छे हैं। अब देखो, किसी का दिन अच्छा जाता है, किसी का खराब जाता है। हमारा एक भी प्लेयर अगर टिक जाए ना अच्छी तरह से, तो टीम इंडिया की जीत पक्की है। जैसे पिछली बार रोहित शर्मा जी हमारे कैप्टन 92 हो गए थे, हमारा एक भी अगर चल गया तो हिंदुस्तान की जीत पक्की है। देखे जी, अब प्लेयर है, कई बार अप डाउन चलता रहता है स्पोर्ट्स का। अब 2-3 मैच वो नहीं चले हैं, हो सकता है आज के मैच में वो पिछले दो मैचों की सारी कसर निकाल दें। वो तो हमारा ऑलराउंडर बुमराह हमारे बेस्ट बॉलर में से गिने जाते हैं, वो नंबर वन बॉलर है, पूरी आशा है उनसे, ज्यादा नहीं तो आज 2 से 3 विकेट वो लेंगे लेंगे। तो इंडिया ही जीतना चाहिए। और कौन सा प्लेयर चलना चाहिए आज? प्लेयर रोहित शर्मा, इस टूर्नामेंट में चला नहीं है, फाइनल में वो चलता है, फाइनल वो 100% चलता है, बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त दोनों लड़के। पक्का कन्फर्म, उनके बॉलर भी बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारे इंडियन ने भी बहुत तैयारी की हुई है, जैसे कि विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गया, बहुत बढ़िया बैट्समैन है, इनके ऊपर हमारी सारी उम्मीद जुड़ी हुई है, यही इंडिया को जिता सकते हैं। हमारे पास भी जैसे बुमराह जैसे बॉलर
सारे कायम है सारे, इसलिए हम इंडिया को ही करेंगे, इंडिया ही जीतेगी हमारी तरफ से, तो इंडिया को ही।